नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। मझियाओं जिला खनन पदाधिकारी विजय कुमार ओझा एवं सुनील कुमार ने पुलिस बल के साथ मिलकर छापेमारी कर अवैध बालू लोड करते हुए दो ट्रैक्टर को जब्त किया। यह दोनों ट्रैक्टर बूढ़ी खाड़ एवं स्थित बांकी नदी और कोयल नदी से अवैध तरीके से बालू उठाव कर रहे थे। दोनों जब्त किए हुए ट्रैक्टर को थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से बालू के कारोबारियों द्वारा बांकी नदी गहरी मोहरान से सटे कोयल नदी से अवैध तरीके से उठाव किया जा रहा था, जो कि निर्धारित सीमांकन के बदले दूसरे जगहों से प्रतिदिन 12 से 15 ट्रकों से बालू भरकर ट्रकों द्वारा एक दूसरे राज्य और दूसरे जिलों में बालू ले जाकर बेचा जा रहा था। अंचल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैध बालू का उठाव करने के लिए नगर पंचायत मझियाओं कला से सटे पानी टंकी घाट के समीप कोयल नदी से उठाव करने के लिए राजस्थान के कार्तिक राठी संवेदक के नाम से सीमांकन निर्धारित किया गया था, लेकिन उक्त संवेदक द्वारा निर्धारित सीमांकन को नजरअंदाज करते हुए दूसरे जगह से दर्जनों ट्रक भरकर वाराणसी एवं अन्य जिलों में भेजा जा रहा है। यहां तक कि दलको गांव से सटे बांकी नदी से भी 20 से 25 ट्रॉली बालू का उठाव हो रहा है। सुनील कुमार ने बताया कि बालू उठाव सत्यता प्रमाणित किए जाने के बाद ही बालू उठाव करने का निर्देश दिया जाएगा। फिलहाल बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है।